दोस्तों आरबी मोरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एक आसान सा विजिटिंग कार्ड डिजाइन। उसके लिए मैटर मैंने पहले से टाइप कर लिया है, इमेज भी डाउनलोड कर लिया है। इन सभी को मिलाकर एक आसान सा विजिटिंग कार्ड डिजाइन बनाने के लिए टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल की साइज मैं कर देता हूँ 3.5 × 2 इंच। ये है विजिटिंग कार्ड की स्टैंडर्ड साइज। कीबोर्ड से पी बटन प्रेस करेंगे, पेज के सेंटर में चला जाता है। उसके बाद इस लेंस को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। हम चाहते हैं कि एक साइड में मैटर सेट कर लूँ और दूसरे साइड में जो है ये लेंस थोड़ा सा बड़ा करके सेट कर लेते हैं, क्योंकि लेंस का डिमांड ऑलरेडी है ही। तो इसको मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है। और फिर ये जो रेक्टेंगल है इसका डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के साथ ही कंट्रोल क्यू से कर्व करें या फिर प्रॉपर्टी बार में जाए यहाँ से कर्व कर लें और इसको कर देते हैं क्रॉस। यहाँ पर क्रॉस कर लेते हैं। इसकी साइज थोड़ी सी और छोटी करेंगे। छोटी करने के साथ ही जस्ट इसका एक डुप्लीकेट करेंगे और ये एरिया जो है इसको स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले लेंस को कंट्रोल एक्स कर लेंगे। टूल्स में जाएंगे, स्मार्ट फिल टूल सेट करते हैं, सिंपली एरिया फिल कर लिया। उसके बाद जो है इसमें हम लेंस को कर देंगे पावर क्लिप। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहां से कर देते हैं पावर क्लिप इनसाइड। कलर ये जो लेंस है इसी से रिलेटेड फिल करते हैं। तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे, आई ड्रॉपर टूल सेट करते हैं। सिंपली मैं कलर यहां से पिक करके अप्लाई कर देता हूं। थोड़ा सा कलर जो है और भी डार्क रखेंगे। इसमें हम ड्रॉप शैडो का यूज भी करेंगे। तो टूल्स में जाएंगे, ड्रॉप शैडो टूल सेट करते हैं। सिंपली यहां पर मैं ड्रैग करके इंसर्ट कर लेता हूँ शैडो, और यहाँ से जो है इसकी फेदरिंग और ओपेसिटी थोड़ा सा मैनेज कर ले। तो इसको मैं कर देता हूँ 12। कंट्रोल के से जो है ब्रेक कर लेते हैं और इन सभी को सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड इसमें कर देते हैं। पावर क्लिप करने के साथ ही कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर ब्लैक कलर फिल कर लेते हैं, यानी इसको भी ग्रेडियंट बना लेंगे। अब इसमें हम मैटर भी सेट कर लेते हैं। वैसे जो ब्लैक कलर मैंने यहाँ पर लेंस के साइड में फिल कर दिया है, चाहे तो यहाँ पर आप कलर का भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपली इसको सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करें और कलर सिलेक्ट करें, आई ड्रॉपर मिल जाएगा, अप्लाई कर दें। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब इसमें हम मैटर सेट कर लेते हैं। तो इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, साइज एक साथ मैं छोटी कर लेता हूँ। कलर इन सभी का व्हाइट कर लेंगे। व्हाइट करने के साथ ही शिफ्ट के साथ पेजअप करेंगे। और ये जो सुविधाएं हैं इसको चाहे तो आप 2-3 लाइन में भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 2-2-1 में रखते हैं, ठीक है। तो इन सभी को सिलेक्ट करें कंट्रोल एक्स और इसको यहाँ पर सेट कर लें। इसका डुप्लीकेट कंट्रोल के साथ करें, सेलेक्ट कंट्रोल वी से पेस्ट, फिर कंट्रोल एक्स। एड्रेस को हम यहीं पर रखेंगे और इन दोनों के बीच में जो है एक लाइन का प्रयोग कर देते हैं। तो फ्री हैंड टूल से मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। कलर इसका व्हाइट कर लेते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा मैटर रहेगा वो फर्म का नाम रहेगा। तो मैं फर्म का नाम जो है थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, चाहे तो पलक जो है इसको अलग कर दें। तो सिंपली मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, साइज बढ़ा देते हैं और इसका कलर भी चेंज कर देंगे। इसमें ग्रेडियंट कलर का इस्तेमाल करते हैं, यानी व्हाइट और येलो का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से रिपीट एंड मिरर कर लें और फॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहें तो फॉन्ट भी चेंज कर दें। ये मैंने राज 92 फॉन्ट रख लिया है। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से सी बटन प्रेस करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट हो जाता है। और हमारे पास है एक इमेज, इस इमेज को हम सेट कर लेते हैं यहाँ पर। फोटो क्लिक करते हुए इस इमेज को यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं। साइज छोटी करेंगे, साइज इतना कर देते हैं। बॉटम में लाएंगे और बॉटम साइड से जो है ट्रांसपेरेंट भी कर लेंगे। ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट, सिंपली ट्रांसपेरेंट और दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इस रेक्टेंगल में कर देते हैं पावर क्लिक। तो सिंपली इसको मैं अभी ऊपर रखता हूँ, सेलेक्ट पावर क्लिप इनसाइड। पावर क्लिप करने के बाद जो है अब ये मैटर जो है इसके ऊपर रखते हैं यहाँ पर, या फिर यहाँ पर भी कहीं पर रख सकते हैं। लेंस के ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, यहीं पर सही लग रहा है इसको। ये जो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर फिल कर लिया था, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो इसको रखें या फिर इसका आप कलर चेंज कर दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको सिंपली इसको सेलेक्ट करना है कलर चेंज,
ये कलर चेंज कर दिया, दूसरा सिलेक्ट किया, दूसरा कलर पे कर दिया। ये तो जब आप एक बार डिजाइन बना लेते हैं तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता, अब इसको फटाफट चेंज कर सकते हैं।